अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत दिनों बाद जो है मेरी वीडियो आ रही है, क्योंकि सर्दियां जब से आई हैं कभी कोई बीमार और कभी कोई बीमार, तो बस इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। और हम लोग जो है अभी ओशन मॉल गए थे, तो वहां पे बहुत ही अच्छा ना लाइव आइसक्रीम का इन्होंने लगाया हुआ था स्टॉल। तो उमर ने तो देखते ही कहा कि तबीयत ठीक हो या ख़राब, मुझे तो आइसक्रीम खानी है, और वो भी लाइव आइसक्रीम सामने बने। तो आपको पता है बच्चों का तो फिर जो है ना बहुत दिल करता है। और उमर ने बहुत सारे फ्लेवर्स थे इनके पास, ओरियो और जो है किटकैट, डेरी मिल्क, बहुत सारे फ्लेवर थे। लेकिन उमर ने कहा कि मुझे जो है ना ओरियो खाना है। तो उन्होंने कहा ओरियो ज़्यादातर बच्चे पसंद भी करते हैं, तो फिर हमने जो है ना ओरियो का ही बनवा लिया था। हमने कहा ओरियो की आइसक्रीम बनाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा। अब ये इन्होंने स्टार्ट किया, ओरियो लिया है और इसको ये मैश कर रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा था सामने जब ये बना रहे थे ना, मैंने जल्दी से वीडियो बना ली। मैंने कहा उमर रुक जाओ। और एक बात ये भी है, सर्दियाँ हैं तो क्या हुआ, आइसक्रीम तो हेल्दी होती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। वैसे आइसक्रीम से मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि कहते हैं ना कि गला ख़राब हो जाता है या ठंड हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसक्रीम से ना गला ख़राब होता है और ना ही ठंड होती है, क्योंकि आइसक्रीम से, आइस लॉली वगैरह से नहीं, उससे तो ख़राब होती है। मिल्क वाली जो आइसक्रीम होती है उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, वो बहुत हेल्दी होती है। इवन कि मैं जब डॉक्टर के पास बच्चे छोटे थे जाती थी, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आइसक्रीम को मेल्ट करके और अगर बच्चों को पसंद है तो आप दे दें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी मील है बच्चों के लिए। ओरियो के साथ इन्होंने न्यूट्रेला ऐड किया था और हर्शीम का जो सीरम होता है चॉकलेट सीरम वो, और फिर ये मुझे लगा कंडेंस मिल्क ऐड करके, बताया तो खैर नहीं बना रहे थे वो, बट मुझे ऐसा लगा कि कंडेंस मिल्क, और अब ये इसको इस तरह से बना रहे हैं। सर्दियों में तो वैसे जो है ना बच्चों की बड़ा ही कमज़ोर हो जाते हैं, डाइट हाफ रह जाती है। गर्मियों में बच्चे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें एंजॉय करते हैं, फ्राइज़ वगैरह, सर्दियों में तो आधी ही रह जाती हैं चीज़ें। फ़िश वगैरह बच्चे इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, और जो चीज़ें वो शौक़ से खाते हैं विंटर्स में वो आप दे नहीं सकते। ये हमारी आइसक्रीम ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और उमर तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि बस जल्दी से बन जाए। ये रेडी हो गई, इस तरह से रोल कर रहे थे। मुझे तो लग नहीं रहा था कि इस तरह से रोल हो पाएगी जितना कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है वाकई। और टेस्ट भी बहुत मज़े का था, मैंने टेस्ट किया था, बाकी तो उमर ने ही खाई थी। बहुत यमी आइसक्रीम थी ये। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये आइसक्रीम रेडी हो गई, अब इस पे इन्होंने टॉपिंग्स
जो है ऐड करनी थी। उमर तो कह रहे थे बस दे दें, इन्होंने टॉपिंग्स ऐड किए हैं सारी। अच्छा इन्होंने सारी बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की हैं, कोई भी ऐसी नहीं थी जो मैं मना करती कि ये ऐड ना करें आप। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे ना, आई थिंक 250 का ये एक कप है आइसक्रीम का। ये अब आइसक्रीम ये उमर खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।